हाँ तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ इंदुलेखा भृंगा ऑयल। दोस्तों आज मैं इसी के बारे में बताऊंगा, तो पहले इसकी खूबियां बताते हैं, बाद में इसकी कमियां बताते हैं जो लोगों के कमेंट में आई हैं, जो लोगों को प्रॉब्लम आई है तो उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इंदुलेखा भृंगा ऑयल। दोस्तों इंदुलेखा भृंगा ऑयल की MRP है 432 रुपये। ये 100 ml का होता है, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर की बनाई है। और सबसे अच्छी खूबी इसका ये है कि ये आयुर्वेदिक फार्म में बनाया गया है। इसमें जितनी भी इंग्रेडिएंट मिले हैं, जड़ी वो मिले हैं, ये सब आयुर्वेद ही हैं। इसको आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों जिनके बाल काफ़ी ज़्यादा गिर रहे हैं, ये उनके लिए है एलोफेशिया प्रॉब्लम। तो क्या ये सच में रोकता है? तो दोस्तों आज इसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इंदुलेखा भृंगा ऑयल है क्या। तो दोस्तों ये एक ऐसा तेल है, ये थोड़ा गाढ़ा है और चिपचिपा है। इसका इस नुमा ये ऊपर कंघी है और ये 100 ml की इसकी बॉटल है। तो दोस्तों ये जो इस पे कंघी आप देख रहे हैं, यूं समझ लीजिए ये ड्रॉपर है। इसमें देखिए बारीक बारीक होल हैं। ये आप इसको उल्टा करके जब दबाएंगे अपने सर में लगाने के बाद, तो ये आपके जड़ तक काफ़ी आसानी से ऑयल एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन ये ऑयल काफ़ी गाढ़ा है, आपके बाल में लगाने पर चिपचिपापन रहता है। तो दोस्तों ये अपने आपके बालों को झड़ने से रोकता है। इसको आपको नहाने से पहले 2-3 घंटे लगा लेना, या फिर नहाने के बाद लगाना है। ऐसा आपको हफ्ते में 3 बार करना है और ये 3 से 4 महीने लगाना है। इससे आपके झड़ते हुए बाल तो रुक जाएंगे, लेकिन जो कमेंट में आ रहे हैं ऐसा नहीं लग रहा है, सिर्फ 10% लोगों का ही बाल गिरने से रुका है और बाकी कुछ लोगों का बाल घना हुआ है और काले हुए हैं। यदि बात MRP की करें तो दोस्तों ये 100 ml की सीसी है, उसका ये 432 रुपये MRP है। तो काफ़ी ज़्यादा है कॉस्ट में, लेकिन जिस हिसाब से इसमें इंग्रेडिएंट मिले हैं उस हिसाब से इसका कॉस्ट तो काफ़ी महंगा पड़ेगा। और हिंदुस्तान यूनिलीवर्स का है तो इसका रेट तो काफ़ी कंपनी से ही महंगी होगी भाई, क्योंकि ब्रांड का ही नाम बिकता है। दोस्तों इसको आप बॉक्स को जब ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की एक बुकलेट मिलेगी, जिसमें आपको इसके बारे में बता रखा है आपको कैसे यूज करना है क्या है। लेकिन ये जो 100 ml की सीसी है, इसको आप ओपन करके यहाँ पे कुल होल करना है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो दोस्तों जैसा कि इसमें दिखा रखा है, इसमें देखिए 2 होल करने हैं। हल्का सा सुई से कर दीजिए और इसमें भी थोड़ा सा होल कर दीजिए, ताकि जब इसको आप दबाएंगे इसमें ड्रॉपर करके, तो इसमें इसके हर जगह पहुंचकर और इसके हर ड्रॉपर से निकले ऑयल। दोस्तों इसको इस फॉर्म में गिराना, इसको आप जब हल्का सा ड्राम दबाएंगे तो इसके हर ड्रॉपर से एक एक बूंद निकलेगा और इसको इसको आपके बॉल में लगाना है, मतलब जड़ तक चला जाएगा आसानी से। तो दोस्तों ये आप कम से कम 4 महीने लगाइए फिर इसको, और इसको रेगुलरली नहीं यूज करना कि आप उसको जीवन भर यूज करिए। आप 4 महीने तक इसको लगाइए, आपका रिजल्ट मिलना चाहिए। वैसे जो कमेंट में आए हैं, मैंने कमेंट देखे काफ़ी लोगों के, तो उसमें किसी को बढ़िया रिजल्ट नहीं मिला। हाँ ये रिजल्ट मिला है, किसी के बाल काले हुए हैं, किसी के बाल घने हुए हैं, लेकिन जो बालों की गिरने की समस्या है वो समस्या रुक नहीं रही है। तो दरअसल दोस्तों हमारे बालों का गिरना ये है कि पॉल्यूशन भी काफ़ी बढ़ रहा है और ब्लड सर्कुलेशन हमारे सर में नहीं होता, इन्फेक्शन ड्रग्स दुनिया और एलर्जी के स्टीम, तो काफ़ी चीज़ें हैं। हम सही से नींद भी नहीं लेते, ये सब कारण है हमारे बालों के गिरने का। तो हम इन सब चीज़ों पे अगर जो ध्यान दें और खान पान पे, तो हमारे बाल नहीं गिरेंगे। और आप कोई भी कोकोनट ऑयल लेकर के यदि आप अपने बाल में लगा के उसकी मसाज करते हैं 5 से 10 मिनट तक, तो आपके जो ब्लड है ना सर के, वो अपने आप सर्कुलेशन होने लगेंगे। तो आपके बाल, मेरे बाल गिरते थे दोस्तों, मैंने इसका मतलब कोई भी ऑयल नहीं यूज किया, मैं आज तक कोई ऑयल भी नहीं यूज करता हूँ। तो दोस्तों ये है कि मैंने बस खान पान पर ध्यान दिया, मेरे एक बाल भी नहीं गिरते। और मैं बस शैम्पू नहीं यूज करता, मैं सॉप यूज करता हूँ, लेकिन अब लेडी जो रहेंगी तो उनके बाल गंदे लगेंगे, शैम्पू तो यूज करना पड़ेगा, लेकिन कोई भी शैम्पू डेली ना यूज करें। वैसे ये तेल आपको हफ्ते में 3 ही दिन लगाना है, बार बार नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें चिपचिपापन होता है, बिल्कुल सरसों के तेल की तरह, उससे भी थोड़ा मोटा होता है। दोस्तों ये ऑयल आपको आसानी से किसी भी कॉस्मेटिक पे स्टोर पे मिल जाएगा, और ये हो सके तो मेडिकल स्टोरों पे भी मिल जाता है, अवेलेबल है।
आप इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। दोस्तों इसमें जब होल करने के बाद एक चीज़ याद रखें, इसको ऐसे ना करके रखें क्योंकि यहाँ से धीरे धीरे ऑयल निकलने लगता है, तो ये प्रॉब्लम इसको हमेशा खड़े ही करके रखें। दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं, और किसको ये बढ़िया रिजल्ट मिला है किसको और भी बुरा रिजल्ट मिला है तो दोस्तों ये आप कमेंट में जरूर बताएं। और जिन्होंने 4 मंथ तक यूज किया है उसको कैसा रिजल्ट मिला है रेगुलरली, तो दोस्तों नमस्कार।